नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक सी एस एवेल हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, CSE ने सभी भेली भाइयों के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिस पोर्टल के माध्यम से आप CSE के बारे में कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले सभी भेली के लिए एक स्पेशल DGmail मिला करता था, जो कि अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले DGmail बंद कर दिया गया है, जिससे आपको किसी भी सर्विस की जानकारी नहीं मिल पाती है। अब कोई भी जानकारी आपको जब मिलता है तो या तो ट्विटर के माध्यम से मिल पाता है या किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। लेकिन उसी DGmail के जो कमी है उसे दूर करने के लिए CSE ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से आपको सारे नए सर्विसेज की जानकारी मिलेगी तथा जो भी नोटिफिकेशन, जो भी सूचना होगा आपको इससे प्राप्त होता रहेगा। यह VL के लिए बहुत ही बढ़िया पोर्टल है, जिसके माध्यम से उनको सारी सुविधाएं मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस नए पोर्टल के बारे में। लेकिन इससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से CSE के पल पल की खबरें मिलती रहती है और जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से भेली को इतने सुविधाएं मिल पाएगी। दोस्तों, इस पोर्टल के बारे में जानने के लिए आप आ जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में और वहाँ मैंने इस पोर्टल का लिंक दे दिया है और वहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे और जैसे आएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं दिया गया है CSE जानकारी सुविधा। इस पोर्टल का नाम है CSE जानकारी सुविधा। इसके माध्यम से CSE के बारे में आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो यह CSE जानकारी सुविधा है, आप यहां देख सकते हैं। इस पोर्टल में होम पेज दिया गया है, अबाउट अस है, पार्टनर्स हैं, सर्विसेज है, रिसोर्सेज है, इंपॉर्टेंट वेबसाइट के बारे में दिया गया है, नोटिफिकेशन कोई भी आएगा मिलेगा, उसका वीडियो कोई काम करते हैं तो वीडियो लिंक भी मिलेगा कि कैसे किसी सर्विस में आप काम करेंगे, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसे टोटल CSE के अधिकारियों का कॉन्टैक्ट होगा। तो आप यदि मानते हैं सर्विसेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ क्लिक करने को देख सकते हैं आपको यहाँ टोटल सर्विसेज का ऑप्शन यहाँ मिल सकता है, जैसे PM वेलफेयर स्कीम, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, इसका बिजनेस टू सिटीजन्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, इंश्योरेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। टोटल सर्विस के बारे में आपको इसमें मिलेगा, जितनी सर्विसेज आपको मिलती है टोटल सर्विस के बारे में आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। यहाँ टोटल आप जब PC में ओपन करेंगे तो आपको टोटल सर्विस के बारे में जानकारी मिलेगा। यहाँ रिसोर्सेज है, अगर आप रिसोर्सेज पर क्लिक करेंगे, जैसे देख सकते हैं यहाँ रिसोर्सेज, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा देखिएगा यहाँ CSE 2.0 के बारे में देख सकते हैं, गाइडलाइंस है या ऑपरेटर मैनुअल यहाँ दिया गया है, कॉमन ब्रांडिंग वाला जो आप फ्लैक्स डाउनलोड करते हैं ना उसको यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद CSE एंथम्स यहाँ पर दिया गया है, टोटल रिसोर्सेज में आपको प्राप्त हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो आप यहाँ देख सकते हैं दिया गया, इंपॉर्टेंट वेबसाइट आप यहाँ वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है CSE VLE रजिस्ट्रेशन, बैंकिंग पोर्टल, इंश्योरेंस, DGPay, PM जैसा टोटल पोर्टल के बारे में आपको यहाँ जानकारी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट वेबसाइट पर जाइएगा तो पहले आप देखते होंगे, यदि आप BC के लिए, बैंक BC के लिए जब ऑनलाइन करते हैं तो बैंकिंग पोर्टल पर जाना पड़ता था, लेकिन अब वहाँ BC के रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ DGPay, इंश्योरेंस, बैंकिंग पोर्टल यहीं पे मिल जाएगा, यहीं से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या यहाँ देखिए यहाँ आपको मिलेगा बैंकिंग पोर्टल, सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। PMG दिशा में जाना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, DGPay लॉगिन करना चाहते हैं तो यहीं से आप DGPay लॉगिन कर सकते हैं। तो टोटल सुविधाएँ आपको इस पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। कोई सूचना प्राप्त करना है तो नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको CSE का न्यूज़ लेटर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल सूचनाएँ आपको इस जानकारी पोर्टल से प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आप जब अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो आपको सबसे ऊपर ही देखिए एक लिंक मिल जाएगा, जानकारी सुविधा पोर्टल का लिंक, एक नया लिंक अभी जोड़ दिया गया है। और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे जो ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे, जानकारी सुविधा पोर्टल पर, यानी आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर भी ये लिंक जारी कर दिया गया है। वहाँ से आप डायरेक्ट आप इस लिंक पर, इस पोर्टल पर आ सकते हैं और कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भेली साथियों।